अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख हमारे चैनल नॉलेज टीवी के टीवी। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे आपने हाउ टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद योर एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट के साथ आपने बैंक अकाउंट को किस तरह लिंक करना है, तो बहुत सिंपल मेथड आपको सिखाऊंगा, ये आपने अपनाना है, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं तो कहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको पहले बताऊं कि आपने अक्सर लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि जो एडसेंस अकाउंट होता है उसके साथ हम इजी पैसा या जो जेस कैश होता है पाकिस्तान में वो लिंक कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सिर्फ बैंक अकाउंट जो होता है वही ही लिंक करना है, अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अगर कोई और ममालिक में, तो आपने बैंक अकाउंट को सिर्फ क्या करना है, उसके साथ लिंक करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट आप तब कर सकते हैं जब आपके पिन कोड आ जाते हैं एडसेंस की तरफ से, गूगल की तरफ से, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, जो 6 डिजिट्स को था इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है जो पिन कोड होता है, ठीक है। वो एक्चुअली आपको सेंड करते हैं किस लिए, आपकी एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए सेंड करते हैं। एड्रेस वेरीफिकेशन वाइट स्टूडियो या एडसेंस के अकाउंट में वहाँ पर मौजूद होता है, आपने 6 डिजिट्स वहाँ पर लिखना है, ठीक है, और फिर वेरीफाई करना है। फिर वेरिफिकेशन के बाद आप अपना बैंक अकाउंट क्या कर सकते हैं, उसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो 24 डिजिट्स होता है, सॉरी आईबीएन का, ठीक है, हर एक शख्स का जो बैंक अकाउंट होता है उसके अलग आईबीएन होता है, ठीक है। तो आईबीएन में आपने क्या करना है, 24 डिजिट्स लिखना है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में है तो आपने उससे पहले जो फी क्या होता है वो ज़रूर लिखना है, ठीक है। अक्सर जो नई यूट्यूबर्स होता है जो बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, ठीक है, वो फी के नहीं लिखता, डायरेक्ट जो डिजिट्स होता है 24 डिजिट वो डायरेक्ट लिखता है, तो वहाँ पर शो नहीं होता, ठीक है। आपने क्या करना है, जो 24 डिजिट्स होते इससे पहले फी के ज़रूर लिखना है। अगर कोई भी बैंक से, अगर इससे पहले ए के है या डी के, जो भी लेटर्स होता है उससे पहले लिखना है। आईबीएन के अंदर आपको मौजूद हो जो डेबिट कार्ड्स होते हैं या स्पेशली जो क्या होता है वो दूसरे वो क्या चेकबुक के अंदर, स्पेशली चेकबुक के अंदर वो मौजूद होते हैं आईबीएन, तो सारे ही लिखना है, ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं तो आपको समझ आ जाए। अच्छा, आपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। जब ओपन करेगी तो पेमेंट्स पे क्लिक करना है, फिर पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगी, यूट्यूब पाकिस्तान पे क्लिक करें, ठीक है। इससे आपको जो एडसेंस अकाउंट है वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र इसके लिए करें, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू गेट पेड पे क्लिक करना है, एड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद एड न्यू ट्रांसफर डिटेल पर क्लिक करना है, ठीक है। बेनिफिशरी ये आपने क्या करना है, लिफ्ट करना है, ऑप्शनल है ये, अगर इसकी क्यों ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो बैंक अकाउंट में आपके नेम है वही यहाँ पर लिखना है, कोई मिस्टेक यही नहीं करना है, ठीक है। फिर बैंक नेम आपने लिखना है, HBL है, UBL है, नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है उसका नाम यहीं पर लिखना है। स्विफ्ट BIC लिखना है, ठीक है, जो बैंक होता है उसकी कोड यहाँ पर लिखना है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इसी तरह बैंक मैनेजर से भी पूछे तो वो आपको बताएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो इसके बाद आ जाएगा IBN, रिटाइप IBN, IBN जो चेकबुक के अंदर आपकी IBN कोड रहता है वही यहाँ पर लिखना है। आपने यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं करना है, IBN कोड 24 डिजिट्स कोड होता है, इससे पहली लेटर्स होता है, फी क्या होता है, या अगर इंडिया है तो IN होगा, ठीक है, वही इससे पहले लिखना है। अगर आप नहीं लिखे तो यहाँ पर ये जो डिजिट्स आप लिखते हैं वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सही तरीके से वही लिखना है, ठीक है, तो आपको कोई मसला फिर नहीं हुआ, बिल्कुल सही तरीके से लिखे, क्योंकि इसी बैंक IBN पर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो आपको YouTube की सैलरीज होते हैं वही सेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। IBN को टाइप करना है, ठीक है, फिर रीटाइप करना है वही चीज़, तो यहाँ पर शो नहीं हुआ, तो इसलिए आपने ज़रूर, ठीक है।